अबे भाई डोर पे कौन आ गया? इतनी रात में डोर पे कौन आ गया? रुक जा मैं चेक करता हूँ, पता नहीं डोर पे कौन है। हाँ भाई चेक कर कौन आ गया इतनी रात में, यार कोई मैं खाना भी खाने ढंग से नहीं दे रहा है। हाँ यार रुक जा चेक करता हूँ। वेट, ओ नो, स्कैरी टॉकिंग एंजेला, नो। हाँ गाइस देखो, ये स्कैरी टॉम और स्कैरी एंजेला हमें पता नहीं कहाँ पर लेकर जा रही हैं। प्लीज गाइस आप लोग हमें बचा लो प्लीज, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। प्लीज बचा लो। हाँ ये मैं कहाँ पर हूँ? अबे हम तो जेल के अंदर बंद हो चुके हैं, टॉम और एंजेला ने मिलके हमें यहाँ पे बंद कर दिया है। ओ नो, अबे यार हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? अबे भाई, अबे देखो गाइस देखो, वो रहे तीनों के तीनों, स्कैरी डॉग भी है, स्कैरी डॉग, स्कैरी एंजेला, स्कैरी टॉम, तीनों के तीनों एक साथ मिलकर हमें मारने के लिए यहाँ पे बंद कर दे। भाई तो ये सोच के हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे, क्योंकि यार हम लोग यहाँ पर ट्रैप हैं। वेट, ये दोबारा यहाँ पे आ गए। यार चले जाओ यहाँ से प्लीज, टॉकिंग टॉम एंड टॉकिंग एंजेला डॉग, प्लीज यहाँ से चले जाओ। अबे भाई तूने बोला और वो लोग चले गए, लेकिन वो लोग अभी कहाँ गए मेरे को नहीं पता है। ये बहुत ही अच्छा टाइम है यहाँ से बाहर निकलने का, लेकिन मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग अभी कुछ खाने के लिए गए हैं। भाई मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। भाई तुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा कैसे भी करके। भाई यहाँ पे एक रास्ता है, क्या मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ? हाँ भाई निकल सकता है, तू ट्राई करके देख। अरे वाह तूने सही कहा, मैं तो यहाँ से निकल गया। और रुक जा मैं तेरे को बाहर निकालता हूँ, और फिर हम दोनों यहाँ से अपने घर पे चलेंगे शांति से। हाँ भाई चल जल्दी से मेरे को निकाल। यार तू तो यहाँ से निकल गया और मेरे को निकाल ही नहीं रहा है। निकाल रहा हूँ, चिंता मत कर भाई। ये देख मैंने तेरे को निकाल दिया है, वेट कर, तेरे को निकाल के हमें यहाँ से भागना पड़ेगा इससे पहले कि वो एंजेला और टॉम यहाँ पे वापस आ जाएं और हमें देख ले भागते हुए। हाँ चलो ठीक है भाई, हम दोनों यहाँ पे निकल चुके हैं फाइनली, तो चलो भाई घर पे चलते हैं, टाइम नहीं है बस। वेट, अबे यार ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इन्होंने हमें देख लिया। अबे उन लोगों ने हमें देख लिया यार, अब क्या करें? स्कैरी टॉम, स्कैरी एंजेला और स्कैरी डॉग ने हमें तीनों ने मिलकर देख लिया है। यार भाई कुछ करना पड़ेगा यहाँ से भागने के लिए, कुछ करना पड़ेगा। चलो भाई भागते हैं यहाँ से, अभी चलो भागते हैं भाई। ये क्या, उन लोगों ने कर दिया ब्लास्ट, जल्दी भागो यहाँ से भाई, जल्दी भागो यार, जल्दी भागो क्योंकि वो हमारे पीछे ही आ रहे हैं। ओ शिट, अबे यार जल्दी भाग भाई, हमें अपने घर के अंदर जाना पड़ेगा, पहले तो हमें इस केव से बाहर निकलना है। ये क्या है, अबे यार जल्दी जल्दी घर के बाहर भाई, जल्दी भाग यहाँ से, जल्दी लेट्स गो, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है भाई, बिल्कुल हमारे पास में आ चुके हैं ये लोग, जल्दी लेट्स गो ब्रदर, लेट्स गो जल्दी से, यही हमारा हाउस है भाई, हमें इसके अंदर जाना है, जल्दी चलो। अबे भाई जल्दी चल, डोर को बंद कर देना। ओके हा, फाइनली हम लोग बच गए, फाइनली यार अपने घर में हम लोग सेफ हैं, लेकिन ये लोग तो बाहर खड़े हैं ना, अब क्या करें? ये लोग यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हैं, पागल वागल हैं क्या ये लोग? भाई इन्हें यहाँ से भगाने का सोचो, हम लोग जब तक ये लोग हमारे घर के बाहर रहेंगे हमें नींद नहीं आने वाली, ये बहुत ही क्रीपी है। भाई ये लोग हमें खाना चाहते हैं। अबे यार यहाँ तो बारिश भी होने लगी, अबे कितना डरावना सीन हो रहा है भाई, मुझे तो डर लगने लगा यार। सच में मौसम तो बहुत डरावना हो रहा है, लेकिन भाई हमें कितना भी डरावना मौसम क्यों ना हो जाए, लेकिन ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे क्या आज? इतनी देर हो चुकी है लेकिन ये तीनों के तीनों यहाँ से नहीं जा रहे हैं, फिर ये लोग यहाँ से कब जाएंगे? सुबह हो चुकी है लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, प्लीज यहाँ से चले जाओ। हाँ भाई ये देख, इन तीनों का दिमाग घूम गया, ये लोग कहीं जा रहे हैं, वो देख सामने जा रहे हैं ये लोग अपनी
सीक्रेट केव के अंदर। अबे लेकिन क्यों जा रही हैं ये लोग, पागल पागल हैं क्या भाई? लगता है इनका कोई दूसरा प्लान है हमको मारने के लिए। हाँ भाई, मुझको ऐसा लग रहा है कि ये लोग थोड़ी देर में आएंगे या फिर रात के अंदर आएंगे। हाँ, ये लोग रात में दोबारा आने वाले हैं। ये लोग इतने शरीफ नहीं है कि हमें ऐसे ही छोड़ के चले जाएं। जब तक ये हमें जान से नहीं मारेंगे ना, इनको चैन नहीं पड़ेगा। सो भाई मेरी बात ध्यान से सुन, अब टाइम आ चुका है उन तीनों को पकड़ने के लिए एक ट्रैप को बनाने का, और ट्रैप को बनाने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। क्या तू मेरा साथ देने वाला है इसको बनाने में? यस ब्रो, हम लोग साथ में मिलकर इस ट्रैप को बनाने वाले हैं, क्योंकि वो तीनों हम दोनों को खा जाएंगे ना, इसलिए हम दोनों को ट्रैप बनाना पड़ेगा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तू प्लीज़ मेरे साथ रहे, ये काम बहुत ही टफ होने वाला है, इसलिए मैं तेरी हेल्प मांग रहा हूँ, वरना मैं तेरी हेल्प तो कभी नहीं मांगता हूँ। भाई मैं खुद ही इतने सारे ट्रैप्स बनाता हूँ, देख यहाँ पर लेजर लाइट वाला ट्रैप बन चुका है, एंड अभी हमें सेकेंड ट्रैप भी बनाना है। हाँ भाई, काफ़ी सारे ट्रैप बनाने हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोगों ने बना लिया है लेज़र लाइट ट्रैप, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अब बारी है बनाने की प्रेशर प्लेट ट्रैप की। अरे हाँ भाई, प्रेशर प्लेट ट्रैप जो कि सबसे बेस्ट होता है। भाई आज तक के जितने भी हमने ट्रैप बनाया ना, सबसे बेस्ट ट्रैप मुझे यही लगता है। लेकिन फिर ये हर बार काम क्यों नहीं करता है, ये भी तो बता मेरे को, हर बार ही हमारा ट्रैप फ्लॉप क्यों हो जाता है? पता नहीं, लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। और अगर कोई और ट्राई करेगा ना हमारे ऊपर, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अगर हम लोग किसी के ऊपर ट्राई करेंगे तो ये फ्लॉप हो जाता है। अबे भाई, वो लोग बहुत पावरफुल है ना, इसलिए वो लोग सिर्फ एक ट्रैप से नहीं मरेंगे, उनके लिए हमें और भी ट्रैप बनाने पड़ेंगे। हाँ तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो लोग एक ट्रैप से नहीं मरने वाले, क्योंकि जो टॉम और एंजेला है ना, वो एक होती है क्यूट वाले, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है भाई। ये क्यूट व्यूट कुछ भी नहीं है, बल्कि ये स्कैरी टॉम, स्कैरी एंजेला, स्कैरी डॉग, तीनों मिलकर मेरे को मारने के लिए पागल है, पागल। और मेरे को भी। चल भाई अभी हमें, ये क्या कर रहा है भाई, स्विमिंग पूल में कुछ कर ना, बदमाई, कुछ भी मत करना मेरे स्विमिंग पूल के अंदर। अबे पागल, स्विमिंग पूल को तोड़ना पड़ेगा, इसमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। भाई तू पागल हो गया है क्या? मेरा प्यारा स्विमिंग पूल जिसके अंदर मैं डेली नहाता हूँ। अबे तो क्या हो गया भाई, सुन मेरे को, तू इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करने दे, उसके बाद मैं तेरे को ना इतनी दूर घुमाने लेके जाऊंगा, तू बहुत खुश हो जाएगा। भाई इतनी दूर? चल ठीक है भाई, लेकिन तूने ये क्या कर दिया, इतनी खतरनाक फिश, ये कौन सी फिश है यार, देखने में बहुत ज्यादा डेंजरस लग रही है। ये है द वाइमन फिश, इसका नाम द वाइमन फिश है, इसको मैंने छोड़ दिया इसके अंदर। और तेरे को पता है इसके बाद क्या होने वाला है? जैसे ही वो लोग स्विमिंग पूल के नहाने के लिए जाएंगे ना, तीनों के तीनों, उनको ये फिश काट लेंगी। हाँ भाई, देखने में इतनी खतरनाक लग रही है, फिर तो वो लोग बचेंगे ही नहीं। हाँ भाई, वो लोग नहीं बचेंगे, लेकिन ब्रो तू मेरे को एक बात बता। भाई क्या हो गया यार, मैं ये सोच रहा हूँ काफ़ी देर से कि हम लोगों ने स्कैरी टॉम, स्कैरी एंजेला और डॉग का बिगाड़ा क्या है, हम लोगों ने कुछ इनका किया भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये लोग हमारे पीछे हमको मारने के लिए पड़े हुए हैं, बट वाई? हाँ भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पता नहीं ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं यार, शायद यहाँ पर कोई विलेजर नहीं रहता है, एंड यहाँ पर सिर्फ हम ही दोनों इंसान हैं। नहीं नहीं नहीं, वेट कर, मेरे को याद आ गया भाई, जरा याद कर, आज से एक महीने पहले हमने स्कैरी एंजेला को पकड़ा था ना, ये वही एंजेला लग रही है मेरे को। ओ हाँ हाँ, शायद ऐसा भी हो सकता है भाई, शायद वही एंजेला हमसे रिवेंज लेने के लिए आई है। अबे हाँ, तूने सही कहा, ये वही एंजेला है। अबे मेरे को याद आ गया, उसको हमने बहुत मारा था, बल्कि उसने हमको बहुत मारा था, उसके बाद हमने उसको बहुत मारा, सो ये वही एंजेला है। लेकिन गाइस, मैं यहाँ पे अपने घर में बिछाने वाला हूँ बहुत सारे TNTs, और ये भी हमारे ट्रैप का एक हिस्सा है।
और ये ट्रैप बहुत ही मस्त होने वाला है भाई। चल जल्दी से इसको कंप्लीट कर यार, क्योंकि हम पे टाइम नहीं बचा है बिल्कुल भी। मैं तेरे को बता देता हूँ कि थोड़ी ही देर में, बस थोड़ी ही देर में रात होने वाली है। एंड रात होती तुझे तो पता है ना क्या होगा। क्या रात होने वाली है? अबे प्लीज ऐसी बातें मत किया कर मेरे से, मुझे बहुत डर लगता है यार। रात नहीं होने वाली है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है अभी। भाई ज्यादा टाइम नहीं है, बस 5 मिनट। 5 मिनट के बाद खतरनाक वाली रात हो जाएगी। क्या 5 मिनट के बाद खतरनाक रात होने वाली है? भाई फटाफट ट्रैप करना पड़ेगा कंप्लीट, जल्दी फटाफट ट्रैप मेरा कंप्लीट हो जा। अबे हो गया ऑलमोस्ट एंड डन भाई, फाइनली ट्रैप कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी तुझे इनको कनेक्ट भी तो करना होगा लीवर में। अबे हाँ मैं तो भूल ही गया, मेरे को इसको लीवर से कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा, वरना ये ट्रैप काम कैसे करेगा? अगर मैं कनेक्ट नहीं करूँगा तो ये काम भी नहीं करेगा। हाँ वही तो, जल्दी से इसको कनेक्ट कर, क्योंकि यही ट्रैप तो हमारा मेन ट्रैप है जो कि हमारी हर बार जान बचाता है, TNT ट्रैप। हाँ तू सही कह रहा है, ये हमारा मेन ट्रैप है, लेकिन इसको होने में काफी टाइम लगने वाला है। अबे यार, अरे हो तो गया, टाइम नहीं लग रहा है भाई। वेट भाई, इसको करने के बाद अभी हमें कुछ और भी तो करना है ऊपर। अबे हाँ यार वेट, शायद नहीं करना है, हो चुका है। लेकिन वेट हाँ करना है, हमको ऊपर एक डोर बनाना है। हम लोग भाग के नीचे कैसे जाएंगे? हाँ वही तो भाई, हमें यहाँ पर एक डोर बनाना है एंड बिल्कुल शायद इसी कलर का लगाना है ना, मतलब पहले तो हमें अपना डोर बनाना पड़ेगा येलो कलर का। हाँ हम लोग बनाने वाले हैं येलो कलर का डोर, एंड फिर जैसे हम लोग यहाँ से भागकर नीचे जाएंगे ना, हम लोग आराम से इसको ओपन करेंगे एंड फटाक से नीचे पहुँच जाएंगे। लीवर को ऑन करेंगे, स्कैरी एंजेला आराम से मर जाएगी। भाई तुझे कैसे पता कि वो मर जाएगी? अगर वो नहीं मरी तो हम दोनों का क्या होगा? एंड ये देख, यहाँ पर रात भी हो गई, बस लास्ट 50 सेकंड्स बचे हुए हैं। अबे हाँ यार, मेरे को पता चल गया, रात होने वाली है कुछ ही सेकंड्स के अंदर, एंड उसके बाद आने वाली है स्कैरी टॉम, स्कैरी एंजेला, उनका टाइम आने वाला है। लेकिन वो लोग कब आएंगी? अबे 1 2 3 रात होने वाली है। भाई ये डोर पे कौन है? भाई चेक कर एक बार, कौन आ गया रात में? डोर पे कौन आ गया भाई? पता नहीं यार कौन आ गया इतनी रात में, चलो चल के देखना पड़ेगा इतनी रात में डोर पे कौन आया होगा। हाँ चलो चेक करते हैं कौन है, फटाफट डोर को ओपन कर। हाँ ओ ओ शिट घोस्ट, ओ नो भूत, ओ नो गाइस, ये भूत हमें पता नहीं कहाँ पर लेकर जा रहा है, ये हमें अपने अड्डे पे लेके जा रहा है। प्लीज आप लोग मुझे बचा लो, प्लीज गाइस हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी गाइस, प्लीज हेल्प मी। भाई उठ जा, भाई उठ, भाई जल्दी से उठ जा यार, जल्दी से उठ। ये देख भाई हम लोग कहाँ पे हैं? हाँ ये मैं कहाँ पर हूँ भाई, क्या हम लोग एक जेल के अंदर बंद हैं? हाँ हमें ट्रैप कर दिया है उस ब्लैक घोस्ट ने, ब्लैक घोस्ट यार बहुत खतरनाक है। अबे हाँ यार, इसने तो हमें यहाँ पे बंद कर दिया है, और अब हम लोग क्या करें मेरे भाई? भाई अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसने हमें बहुत खतरनाक वाले जेल के अंदर डाला है। ये देख यहाँ पर कितने सारे कंकाल भी पड़े हुए हैं। हाँ यार यहाँ बहुत सारे कंकाल पड़े हैं, और हमारे सामने वो रहा भूत। लेकिन वो कहाँ जा रहा है भाई? वो तो कहीं चला गया है ना, मुझे लग रहा है वो खाने पीने के लिए गया होगा। भाई यही अच्छा टाइम है यहाँ से बाहर निकलने का, लेकिन कैसे? हाँ यार पता नहीं, लेकिन वेट कर, शायद मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, यहाँ पे एक रास्ता है बाहर निकलने के लिए, एंड आई होप कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। सो चलो ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। ओके सो ओके ओके, बट ये काफ़ी कठिन है, यहाँ से बाहर निकलना उतना ही कठिन है जितना कि यहाँ से अंदर जाना है। सो हाँ व्हाट, अरे वाह, मैं तो यहाँ से बाहर निकल गया भाई, मजा आ गया। रुक मैं तेरे को बाहर निकालता हूँ, लेकिन यहाँ लॉक लगा हुआ है, इसकी चाबी कहाँ पर है? वो रही चाबी, जल्दी से यहाँ से चाबी लेता हूँ और तेरे को यहाँ से बाहर निकालता हूँ फटाफट से, फिर हम दोनों यहाँ से अपने घर पे चलेंगे, इससे पहले कि वो भूत यहाँ पे दोबारा आ जाए। हाँ जल्दी से निकाल भाई, टाइम नहीं है,
ओके ओके, डोर खोल भाई, डोर खोल, तभी तो मैं बाहर आऊंगा। ये ले भाई, मैंने डोर खोल दिया है, तू बाहर आ चुका है। हाँ भाई, हम दोनों बाहर आ चुके हैं, लेकिन वेट, ओ शिट, भाई ब्लैक घोस्ट आ गया, भागो जल्दी, भागो जल्दी, बंद करो गेट को। भाई यार, वो तो हमारे गेट के उस तरफ खड़ा हुआ है, कहीं वो हमारे गेट को ना तोड़ दे, उसके अंदर बहुत ताकत है भाई। हाँ भाई, वो ऐसा कर सकता है, मुझे भी पता है उसके पास बहुत पावर है। देखते हैं भाई, वेट, ये आवाजें कैसी आ रही हैं भाई उस साइड से। हाँ यार, बहुत आवाजें आ रही हैं। नो, अबे ये क्या, उसने गेट को तोड़ दिया है। जल्दी भागो मेरे भाई, जल्दी भागो यहाँ से, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी लेट्स गो, जल्दी, अबे वो आ रहा है, जल्दी। हाँ भागो, जल्दी भागो, वरना ये हम दोनों को कच्चा चबा जाएगा। शिट, अबे भागो जल्दी से, जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा भाई, जल्दी भागो भाई। अबे वो तो मेरे पीछे आ गया, अबे मेरे को छोड़ दे भूत, जल्दी 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 जल्दी, लेट्स गो जल्दी। अबे भाई शिट, अबे शिट, वो तो मेरे पास आ गया, जल्दी जल्दी घर के अंदर चलो, जल्दी बंद करो इसको। ओके ओके, सो हम लोग अपने घर के अंदर आ चुके हैं भाई, लेकिन वो भूत तो हमारे घर के बाहर ही खड़ा है ना। हाँ, वो बाहर ही खड़ा हुआ है, चलो ऊपर चल के देखते हैं वो गया कि वहीं पे खड़ा है। भाई तुझे क्या लगता है? हाँ भाई, मेरे को पता है, शायद वो खड़ा होगा। हाँ ये देख, मैंने कहा था ना वो नीचे खड़ा होगा, वो नीचे खड़ा हुआ है, वो ब्लैक घोस्ट नीचे खड़ा हुआ है, और वो हमारा इंतजार कर रहा है कि जब हम लोगों ने गेट खोल दिया तो वो हमें अंदर घुसकर जान से मार देगा। अरे नहीं भाई, हम लोग नीचे जाएंगे नहीं। ओए ब्लैक घोस्ट, यहाँ से चला जा, क्योंकि आज हम लोग नीचे नहीं आने वाले हैं, चाहे तू कुछ भी कर ले, नहीं आएंगे। सुबह हो चुकी है दोस्तों, लेकिन ये भूत यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं ये यहाँ से क्यों नहीं जा रहा है, लेकिन ये यहाँ से कब जाएगा। अबे प्लीज़ भूत, यहाँ से चला जा प्लीज़। हाँ, ये तो हमें देख रहा है, लेकिन क्यों, ये हमें क्यों देख रहा है, लेकिन अभी कहाँ जा रहा है भाई? भाई मुझे लग रहा है ये जा रहा है उस वाली केव के अंदर, उस केव में बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं, ये उसी केव के अंदर चला गया भाई। हाँ, लेकिन ये कुछ कह भी रहा था। हाँ, इसका मतलब वो दोबारा आने वाला है। हाँ, उसने ऐसा ही कहा कि मैं दोबारा जरूर आऊंगा, एंड वो आने वाला है भाई आज रात को। अबे यार, इसका मतलब हमारा भी गेम ओवर नहीं हुआ है, पूरी की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। सो गाइस, रात में भूत आने वाला है, और भूत से बचने के लिए हमें ट्रैप बनाना पड़ेगा, यानी कि उससे अपने आप को बचाने के लिए हमें कुछ सिक्योरिटी ट्रैप बनाना पड़ेगा, वरना वो भूत हमें जान से मार देगा अगर हम लोग ये ट्रैप नहीं बनाएंगे तो। हाँ भाई, जल्दी जल्दी इसको बनाते हैं, क्योंकि वो घोस्ट है ना, वो रात में और ज्यादा पावर्स लेके आने वाला है, एकदम डबल पावर करके आने वाला है वो आज रात को। हाँ मेरे को पता है, उसकी पावर रात में डबल हो जाती है, एंड फिर वो किसी को भी नहीं छोड़ता है मेरे भाई। हाँ भाई, मुझे पता है वो किसी को नहीं छोड़ता है, लेकिन भाई तू मेरे को पहले एक बात बता, क्या तूने वीडियो को लाइक कर दिया? भाई वीडियो को लाइक, भाई मैं कैसे करूँगा, मैं तो तेरे साथ खेल रहा हूँ ना। तो कौन करेगा फिर हमारी वीडियो को लाइक? अबे तेरी वीडियो को लाइक सिर्फ वही करेंगे जो तेरी वीडियो को देख रहे हैं। क्या ऐसा भी होता है? सो क्या गाइज, आप लोगों ने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर्स ने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, सारे के सारे लोगों ने। मेरे सब्सक्राइबर मेरे से बहुत प्यार करते हैं, और वो मेरी हर एक वीडियो को लाइक करते हैं, और तेरे को पता है भाई, वो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे प्रेस भी करेंगे। अरे नहीं भाई, तू सब कुछ झूठ बोल रहा है, वो ऐसा कभी करते ही नहीं है। नहीं गाइज, आप लोग मेरे भाई को दिखा दो, आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करो। गाइज आप लोग बस इतना कर दो, उसके बाद मैं अपने भाई को दिखाने वाला हूँ कि आप लोग कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। अगर भाई तेरी इस वीडियो पे 5000 लाइक एंड 5000 सब्सक्राइब आ गए ना,
तो मैं मान जाऊंगा कि तेरे सब्सक्राइबर बहुत ही अच्छे हैं। हाँ तो गाइस आप लोग दिखा दो भाई, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे हैं। गाइस आप लोग जो भी देख रहे हो ना, हर एक बंदा वीडियो को लाइक करके जाना, बिना लाइक करे कोई भी मत जाना प्लीज। इसलिए सारे के सारे बंदे जो देख रहे हैं हमारी वीडियो को ना, प्लीज दोस्तों लाइक कर दो, मेरे को अपने भाई को सबक सिखाना है, प्लीज लाइक कर दो। ओके लेकिन भाई तूने वहाँ पीछे से यहाँ तक क्या बना दिया, मेरे को कुछ बता तो। भाई मैंने यहाँ पे बनाया है तीन तीन खतरनाक से ट्रैप। सबसे पहले हम लोगों ने बनाया है लेजर लाइट ट्रैप, एंड सेकंड वाले में हम लोगों ने बनाया है प्रेशर प्लेट ट्रैप, एंड थर्ड हम लोग बना रहे हैं स्विमिंग पूल ट्रैप। स्विमिंग पूल ट्रैप, भाई ये इसके अंदर कौन सी फिश है, ये मेरे को बहुत खतरनाक लग रही है। भाई ये फिश जो है ना, वो मैं बहुत बड़े अंटार्कटिका के सी से लेकर आया हूँ। ओ तू वहाँ पे कैसे गया भाई, तू मेरे को लेके क्यों नहीं गया? भाई मैं शिप से गया था अपने सपनों में। सपनों में फिर तू यहाँ पर कैसे लेके आ गया इनको? अबे यार तू छोड़ ना, तू फालतू की बातें क्यों कर रहा है, तेरे को ना जाना है और ना मेरे को जाना है, मैं अपने सपनों में गया था ना। अच्छा तो आज मैं भी अपने सपनों में जाऊंगा। हाँ ठीक है तू भी अपने सपनों में जाना भाई, वैसे हम लोग वैसे तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होते। हाँ यार लेकिन ये क्या कर रहा है तू, यहाँ पर तूने इसको पिस्टन को लगाया एंड इसके अंदर बहुत सारे एरो डाल दिए। अरे भाई मैंने यहाँ पे लगा दिया है एरो वाला ट्रैप। एरो वाला ट्रैप, ओ मैं समझ चुका हूँ भाई, ये डोरबेल एरो वाला ट्रैप है, ये बहुत ही काम का होता है। हाँ ये बहुत ही काम का होता है, ये बहुत ही मस्त ट्रैप होता है। लेकिन भाई हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे के सारे ट्रैप कंप्लीट हो चुके हैं, एंड अभी हमें कोई और ट्रैप भी बनाना है क्या? हमें और कोई ट्रैप तो अभी शायद नहीं बनाना है, लेकिन हमें अपने घर के अंदर बहुत सारा काम करना है अभी, तेरे को शायद नहीं मालूम होगा। घर के अंदर अब कौन सा काम करना है भाई, हमें तो सारा का सारा काम बाहर करना था एंड बाहर वाला काम पूरा हो चुका है। भाई हम लोग एक काम और भी करते हैं, हमें अपने घर के अंदर बिछाने पड़ेंगे TNT, क्योंकि हम लोग कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक सेकंड भाई, पहले तो ये बता कि तू कौन सी क्लास में है। क्लास भाई मैं तो 8th क्लास में हूँ, तू कौन सी क्लास में है? अच्छा 8th में है, भाई मैं तो 11th में नहीं हूँ, मैं तो 12th में हूँ। अच्छा 12th में है, भाई तुझे क्या लगता है जो हमारी वीडियो को देख रहा है वो कौन सी क्लास में होगा? दोस्तों आप लोग कौन सी क्लास में हो एंड आप लोग कैसे पढ़ते हो प्लीज कमेंट करो, आप लोग कौन सी क्लास में हो एंड आपकी एज क्या है प्लीज कमेंट में हमें बताओ, ताकि हमें पता लगे कि आप लोग हमारी वीडियो को कितनी अच्छी तरीके से देखते हो एंड कितना अच्छा पढ़ाई करते हो। हाँ जल्दी जल्दी से कमेंट्स के अंदर बता दो भाई, यहाँ पर सारा का सारा काम होने वाला है, बस लगभग थोड़ा सा बचा है। हाँ ये होने वाला है, हम लोग TNT को बिछाने वाले हैं, तेरे को पता है मैं TNT क्यों बिछा रहा हूँ? भाई पता है मुझे, वो घोस्ट है ना वो बहुत खतरनाक है एंड पता नहीं वो अंदर भी आ सकता है, इसलिए तू इनको बिछा रहा है। हाँ मैं इसीलिए बिछा रहा हूँ ताकि वो घोस्ट अंदर ना आ जाए, अगर वो लोग अंदर आ गए ना तो हम इन TNT को ब्लास्ट कर देंगे और वो भी साथ में मर जाएंगे। लेकिन इसमें हमारा एक नुकसान होने वाला है, हमारा पूरा घर टूट फूट जाएगा। हाँ यार फिर हमें अपना घर कहीं और दूर जगह लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला घर तो हमारा डिस्ट्रॉय होने वाला है ना। हाँ यार सो भाई मैंने अपने घर में बहुत सारे TNT को बिछाया है ना, तेरे को पता है? हाँ पता है भाई, मैंने तेरी मदद करी थी अभी। हाँ सो अब मैं करने वाला हूँ TNT को लीवर से कनेक्ट, क्योंकि जब मैं उनको ब्लास्ट करूंगा तो लीवर से तो ब्लास्ट करूंगा। हाँ लीवर से तो ब्लास्ट करा जाता है भाई, तेरे को इतना नहीं पता? भाई मैं तेरे से पूछ रहा हूँ बेवकूफ, भाई तू मेरे को क्यों कह रहा है? अरे मैं बहुत प्रो हूँ भाई, मेरे को सब कुछ पता है, मेरे से मत पूछ। अबे तू इतना प्रो हो गया, लेकिन तू तो एक बहुत बड़ा नूब था। भाई कब, मैं भाई बचपन से प्रो हूँ, तुझे कुछ भी नहीं पता है मेरे बारे में। अबे इतना बड़ा झूठ आइला, तू इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है, तू तो एक बहुत ही बड़ा नूब था यार, इतना प्रो तू कैसे हो गया अपने सपनों में? हाँ भाई मैं अपने सपनों में हैकर बन चुका हूँ, हैकर, और आज तो मैं हीरो ब्रैंड को मारूंगा अपने सपनों में। लेकिन भाई तू हीरो ब्रैंड को अपने सपनों में ही मार पाएगा, और हैकर भी तू अपने सपनों में ही बन पाएगा, कभी रियलिटी में नहीं आ पाएगा। देखना भाई कभी ना कभी मैं जरूर हीरो ब्रैंड को एकदम मार दूंगा। अबे चल जा यहाँ से नूबड़े कहीं के, अभी तू बहुत बड़ा नूब है भाई, तेरे को भाई कुछ माइन करना तो आता नहीं, फिर तू क्या कर लेगा? भाई तू मेरे हाउस के अंदर चल के देख, बहुत सारे डायमंड्स हैं मेरे पास। अबे चल देखता हूँ तेरे पास कितने डायमंड्स हैं,
मेरे को पता है तूने मेरे डायमंड चोरी कर लिए होंगे, और क्या करेगा तू। ओ माय गॉड, बातों बातों में रात हो चुकी है। हाँ भाई रात हो चुकी है, एंड वो देख घोस्ट आ चुका है। ओबे यार अब हम लोग क्या करें भाई, घोस्ट आ गया। ओबे हाँ वो तो सामने से आ रहा है। ओ माय गॉड, ओ शिट, एंड ये क्या भाई, उसने तो एक झटके में लेजर लाइट को पार कर लिया। अबे हाँ वही तो, इसका मतलब ये भूत बहुत ही ज्यादा भयानक और डेंजरस है। हाँ यार तेरे को और भी ज्यादा ट्रैप बनाने चाहिए थे, उसका इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे सारे ट्रैप फेल होने वाले हैं, और वो स्विमिंग पूल के अंदर कूद गया है, लेकिन वो स्विमिंग पूल के अंदर मछली उसे फाइट कर रहा है। अबे उसने स्विमिंग पूल को भी पार कर लिया है वो देख, एंड वो मुझे पता है वो अब हमारे घर के अंदर घुसने वाला है। भाई तेरे सारे के सारे ट्रैप्स फेल हो चुके हैं, ये देख इसने तीनों के तीनों ट्रैप पार कर लिए हैं। जो हमारे खतरनाक वाले ट्रैप थे ना, उसने तो उनको आराम से पार कर लिया, अब ये क्या ही करेगा डोरबेल वाले ट्रैप से। हाँ यार मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अब ये क्या करने वाला है। हमारे डोर पे आ चुका है ये, और अब ये हमारे डोर पे आके खड़ा हो चुका है। भाई मुझे तो लग रहा है कि ये हमारे घर के अंदर घुस के हमें खा जाएगा। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। और ये कौन आ गया साथ में इसके, भाई कोई और भी है इसके साथ में, पता नहीं वो इसका भाई है, पता नहीं कौन है। अबे भाई वो ज़ॉम्बी है, ज़ॉम्बी। अच्छा ये ज़ॉम्बी है, लेकिन ज़ॉम्बी को मारो भगाओ यहाँ से भाई, ये कहाँ से आ रहे हैं। अबे मुझे क्या पता, रात का समय है, एंड शायद ये घोस्ट उसको साथ में लेके आया होगा। हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मुझे अभी तो इस भूत से बहुत डर लग रहा है यार, क्या करूँ इस भूत को यहाँ से कैसे हाँ ये तो यहाँ पे TNT फोड़ रहा है। भाई मुझे लग रहा है उसको गुस्सा आ गया, इसलिए इसने देख यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया, क्योंकि इससे डोर खोल नहीं रहा है, एंड ये एरो खाते खाते अबे ये ब्लास्ट कर रहा है। अबे ये नहीं, ओ शिट, इसने कर दिया है ब्लास्ट, और अभी हमारे घर के अंदर घुसने वाला है भाई। अबे भाई हमें जाना पड़ेगा नीचे, और नीचे जाके हमें लीवर को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे घर के अंदर आ चुका है। हाँ जल्दी भागो, जल्दी से, टाइम नहीं है, क्योंकि वो ऊपर कभी भी आता होगा। पहली बात तो वो हमें नीचे ढूंढ रहा होगा, भाई एकदम देख के करना, कहीं वो बच ना जाए। ठीक है भाई, मैं लीवर को ऑन करके इसको जान से मार दूंगा, और हमारा घर भी पूरा ब्लास्ट होने वाला है। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन ये मरना चाहिए, ये शायद ऊपर पहुंच चुका है भाई, शायद ये नहीं, ये नीचे ही है, वो देख सामने खड़ा हुआ है। रुक जा भाई, अब इसको मारने का टाइम आ चुका है। ओके तो ये देख ये मर चुका है, और हम लोगों ने एक भूत को मारकर बहुत बड़ा काम कर दिया है। ये भाई मजा आ गया, मजा आ गया भाई इसको मारने के बाद।